सिद्धांत गौतम जी, और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से आज वो भी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। और देखा जाए तो देवली पहाड़ी का जो आंदोलन चल रहा था पिछले एक डेढ़ महीने से केजरीवाल सरकार के खिलाफ, तो आज जो निर्णय आया उससे आप क्या सहमत हैं? देखिए, मैं प्रश्न का जवाब देने से पहले दो बात कहना चाहूँगा जी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की स्वाभिमान है, इस देश की धरोहर है। बाबा साहब अम्बेडकर किसी समाज के महापुरुष नहीं है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के महापुरुष हैं, इस देश के संविधान निर्माता हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से यहाँ 35 साल पहले एक मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर की, देवली पहाड़ी पर जी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। और मूलतः जब इस मूर्ति को लगाया गया था 35 साल पहले, तो शायद जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग होंगे और इस सरकार में सोचने वाले लोग होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, तो उनका सपना शायद ये रहा होगा कि इस 62 बीघे ज़मीन में 3 विधानसभाएं हैं, कौन कौन सी, देवली, अंबेडकर नगर और संगम बिहार, इन तीनों विधानसभाओं के बीच में मात्र इतनी बड़ी खाली ज़मीन यही है। और इस खाली ज़मीन को उनका ध्येय था कि एक बड़े पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से यहाँ लाइब्रेरी बनेगी, यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनेगा, बुद्ध विहार बनेगा, यहाँ के बच्चों को यहाँ खेलने के लिए जगह मिलेगी, लोगों को घूमने फिरने के लिए सुबह और शाम जगह मिलेगी, इसको सौंदर्यकरण करके यहाँ पर एक जिसको कहते हैं लंग स्पेस मिलेगा यहाँ के लोगों को। लेकिन आप सबको मालूम है कि बहुजन समाज जब संगठित नहीं होता है तो इसकी इस फूट का फायदा जो आने वाली सरकारें हैं, स्पेशली वो सरकारें कि जो यहाँ पर यथास्थितिवादी हैं, सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, वो सरकारें हमारी ताकत को कमज़ोर करने का काम करती हैं। आप सबको मालूम है कि यहाँ केजरीवाल की सरकार हमारे लोगों के द्वारा चुनी गई है, ये बहुजनों की वोट से यहाँ केजरीवाल सरकार चुनी गई। लेकिन केजरीवाल सरकार के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ के विधायक हैं, उन लोगों ने इसी समाज की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ये समाज अपने आप में संगठित नहीं है, ये समाज संगठित नहीं है, ये समाज अकल से काम नहीं लेता है, ये भावनाओं में बहने वाला समाज है। जब निर्णायक पल होता है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर का हथियार इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाने का पल होता है, उस टाइम पर इस समाज का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और ये बहकर के भावनाओं में बहकर के कभी शोषक को अपना नेता मान लेता है, केजरीवाल जैसे शोषक को अपना नेता मान लेता है और उसको यहाँ सरकार बना के मुख्यमंत्री बना देता है। तो शोषक की तो आदत है शोषण करने की, तो वो आज भी शोषण कर रहा है। आज ये समाज, भोला भाला समाज, यहाँ पसीना बहा रहा है, यहाँ मजदूरों की तरह धूप में पसीना बहा रहा है। अगर ये अकल से काम लेता, बुद्धि से काम लेता और उस निर्णायक पद पर अपनी वोट का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी के हक में कर देता, तो इसी सचिवालय में बहुजन समाज की सरकार होती और अपने हक का हर एक निर्णय कर सकता था ये बहुजन समाज। वकील साहब, अगर मुद्दे की बात की जाए तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आज जो मुद्दा ये रहा है। अब आपने एक बात कही मेरे से कि आज की जो जीत हुई है, मैं इसको जीत नहीं मानता हूँ जी, इसको मैं लॉलीपॉप मानता हूँ, इसको बच्चों को बहकाने वाली एक ट्रिक मानता हूँ, ये कोई जीत नहीं है। ये तो हमारे बीच में से कुछ छुट भैये नेता हैं कि जो आज भी जिब्बे पहन के लौटा है, जिनको मैं कहूँगा कि वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस नेता के कदम चूम रहे हैं, कभी उस नेता के कदम चूम रहे हैं, तो ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते। और उन्हें अभी अपने चेहरे की पहचान बनाने के लिए या किसी पार्टी से टिकट पाने के लिए उन्होंने अपने इस भोले भाले समाज को भावनाओं में बहाने का काम किया है। अपना भोला 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 भाला समाज परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए दिलो जान से बिल्कुल तैयार है, और आज ये बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए खड़ा हुआ है समाज, किसी व्यक्ति के लिए नहीं खड़ा हुआ है। तो वकील साहब, आपने कहा कि अपना एक पहचान बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी कभी भी नहीं बोल के राखी है। आहा पिप्पल जी, आप कौन से किसी कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आज यहाँ जितने लोग हैं,
अरे ये 99% बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, लोग ये सब बहुजन समाज पार्टी के हैं और सब अम्बेडकरवादी हैं, और जितने अम्बेडकरवादी हैं वो बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। यहाँ 99% कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के आए हैं, और जितने भी लोग आए हैं, मैंने चुनाव लड़ा है, आप मेरे चुनाव के दौरान में मेरे साथ रहे हैं और मैं एक एक चेहरे को जानता हूँ। ये बहुत क्रांतिकारी महिला है। मेरे चुनाव में सुबह से शाम तक इन लोगों ने बड़ी दीवानगी के साथ काम किया है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये बहुजन समाज पार्टी के नहीं है। सब ने बहुजन समाज पार्टी का काम किया, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट डाला। आज की जीत के बारे में बताइए कि आज की जीत जो रही है, क्या ये निर्णय क्षणिक बहुजन समाज के हित में है या नहीं है? क्षणिक है, संतुष्ट होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम क्षण तक 2020 में चुनाव आने वाला है, अंतिम क्षण तक ये संग्राम, ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, और जब तक जारी रहना चाहिए कि आज जो सचिवालय में बैठे हैं वो 2020 में दोबारा वापस ना आए। चलिए ठीक है, तब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। तब मैं मानूंगा अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।